हेलो हाय दोस्तों, मैं मिसेज वीना उपल सुगर ध्यानी चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपको आज भरवा अरबी और भिंडी बनाना सिखा रही हूँ। अरबी और भिंडी तो आपने बहुत खाई होंगी, लेकिन आपने ये कंबाइंड नहीं खाई होंगी। आप ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी लगती हैं, ये आपको बनाना सिखा रही हूँ। जिसके लिए मैंने हाफ के जी अरबी ली है और हाफ के जी मैंने भिंडी ली है। अरबी को मैंने छील के अच्छी तरह नमक के पानी में धो के इसको धूप लगा लिया है और ये पानी इसका सोख गया है। और ऐसे ही भिंडी को मैंने धो के और नमक वगैरह के पानी में धो के और सुखा लिया है पानी, ताकि अच्छी तरह निकल जाए। सुखाना तो क्या, इसका नमी निकालनी है, बस ये निकल चुकी है। अब अरबी को क्या करना है, अपने इसको ये कट लगाने हैं, ऐसे इसको अलग नहीं करनी, ऐसे आपने कट लगाना है ऐसे। अरबी है अपन, वैसे पतली अरबी लेनी होती है, जो मोटी होती है उसको हम डबल कट लगा लेते हैं ऐसे। ये देखो, अब इसमें आप मसाला भरेंगे। ये मैंने कट लगा ली है। अब ये भिंडी आप बाद में करेंगे, पहले आपने वही मसाले जो करेले में आपने पिछली वीडियो में मेरा देखा है, वही मसाले लेने हैं आपने। ये देखो, ये सफेद नमक लिया है, अपने स्वाद अनुसार ले लेना। और ये काला नमक है, एक चम्मच लिया मैंने। और ये आमचूर है, एक चम्मच, आधा एक चम्मच, आधा चम्मच ये आमचूर ले लिया। ये रेड चिल्ली एक चम्मच, गरम मसाला जो मेरे आपने पिछले वीडियो में देखा है एक चम्मच, हल्दी डेढ़ चम्मच लेनी है। और ये धनिया पाउडर जो मैंने आपको पहले भी बताया था, सारी कमी इसी ने पूरी करनी है, ये दो चम्मच आपने ये ले लिया। और ये पिसा हुआ अजवाइन है, ये आप बाद में यूज करेंगे, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब इनको मसालों को मिक्स करके आपने इनमें भरना है। ये मसाला तैयार हो चुका है, अब आपने इसमें ये मसाला ऐसे भरना है। ये देखो, अब इसको ऐसे रखते जाओ। अब इसको सारा मसाला भरने के बाद 10-1 मिनट छोड़ देना, 10 मिनट छोड़ देना, ताकि ये मसाला अपन गरम कढ़ाई में उसी टाइम डालेंगे तो ये मसाला बाहर आ जाएगा। इस करके 10 मिनट अपने इसको छोड़ देना, इतने अपना तेल तूल गरम होएगा रिफाइंड, और फिर आप वो करेंगे। अब ये 10 मिनट हो चुके हैं इसको भर के रखे हुए, और इधर ये रिफाइंड भी गर्म हो चुका है। आप तेल में, सरसों के तेल में बनाना चाहो तो सरसों के तेल में भी बहुत क्रिस्पी बनती है। अब ये तेल गर्म हो गया, घी, अब इसको इसमें मैं छोड़ दूंगी। अब सिम पे बनानी है बिल्कुल। ये देखो, अब इसको मैं ढक दूंगी। अब इतने, अब ये आप इसको तैयार करेंगे भिंडी को। ये देखो भिंडी है आप कट करने के लिए, ये देखो इसके ये हैंडल तोड़ देंगे। अब एक एक को आपका कीड़ा वगैरह ना हो, देखने के लिए, भरने के लिए इस तरह अपने कट लगाने हैं। इसमें मैंने वो मसाला था जो इसमें अजवाइन, पीसी हुई अजवाइन एक चम्मच डाल रही हूँ मैं, छोटी नहीं है, एक चम्मच मैंने अजवाइन की डाली है। अब इसको ऐसे भरूंगी, जो बड़े वाली भिंडी कच्ची होनी चाहिए, पकी हुई बीज वाली, मोटे बीज वाली नहीं होनी चाहिए भिंडी, पके वाली हो तो वो निकाल दो आप। अब इस तरह हल्का हल्का मसाला भर के, ये देखो जो बड़े वाली है हमने एक साइड में रखनी है, बाद में इसको कट मार देंगे, और छोटे वाली एक साइड में रख लेंगे। ये अरबी हमारी तैयार हो चुकी है, इसको देख लेना, कच्ची नहीं होनी चाहिए। ये देखो ये बिल्कुल गल चुकी है, और कोई भी सब्जी हल्की सी कच्ची हो तो खाई जाएगी, एक अरबी है जो गला पकड़ लेगी, अरबी बिल्कुल नहीं कच्ची खाई जाती। अब हम इसको ये निकाल लेंगे अरबी को, और भिंडी भी तैयार हो चुकी है, भर के मैंने उसको वो कर दिया।
अब ये आप इसमें ये भिंडी, ये देखो ये जो बड़े वाली मैंने अलग रखी हैं इनके दो पीस कर लेंगे। ये देखो अब इसको डाल देंगे। भिंडी को आपने स्लो पे नहीं बनाना, फुल आंच पे बनानी है और इसको ढकना नहीं है। ये भिंडी मेरी तैयार होने वाली है। अब ये जैसे इस तरह ये हो जाए ना तो तब आपने ये मिर्ची डालनी है। इसमें भी मैंने मसाला भर रखा है, सेम मसाला जो उस वाला था, ये देखो। और इसका मेन ये है, बनाते टाइम आप ये थोड़ा ध्यान रखना कि एक तो ये 5-10 मिनट, कम से कम 10 मिनट मसाला भरने के बाद ही इसको कढ़ाई में डालना, चाहे भिंडी हो चाहे अरबी हो, कोई भी वैसे भरने वाली जो भी आप सब्जी बनाते हो उसको 10 मिनट कम से कम रखो, नहीं तो उसका मसाला बाहर आ जाता है। और दूसरी बात, ये कढ़ाई खुली होनी चाहिए, बर्तन टाइट बर्तन में ये सारा लेसी बन जाती है, अच्छी नहीं बनती। अब ये देखो, अब ये भिंडी भी और ये मिर्ची भी, मिर्ची तो आप जब इसको सब्जी को दोबारा गर्म करेंगे तब भी क्रच वो हो जाएगी, तैयार हो जाएंगी। मिर्ची तो कच्ची कच्ची अच्छी लगती हैं। ये देखो अब ये वो हो जाएंगी। अब इसमें ये मैं अरबी डाल दूँ, अब इसको मिक्स कर लेंगे। ये मेरी भाभी नीलम है, ये उसकी रेसिपी है, उसने मेरे को ये सिखाई थी, मैंने उससे सीखी है, वो बहुत टेस्टी बनाती है। ये देखो अब ये बन गई है। अब ये मैं इसको फ्लेम को बंद कर दूंगी और ये अब इसमें डाल दूंगी। अब आपको ये भिंडी अरबी मिक्स बनानी रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, बाय, थैंक यू।